हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग से पूछा गया था कि क्या ये ब्रह्मांड में जो शोध हो रहे हैं, क्या ये कभी खत्म होंगे? कभी ऐसा पल आएगा कि हम इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेंगे? तो उस वक्त स्टीफन हॉकिंग ने बोला था, जी ऐसा कभी नहीं होगा, ये जो शोध है, ये जो विज्ञान है, ये अनंत है और हमेशा ये चलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, उसी का उदाहरण हम देते हुए आज समझेंगे कि कैसे वैज्ञानिकों ने क्या किया है, हमारी धरती के अंदर एक पांचवा लेयर खोज लिया है, या फिर हम ये कहें कि एक तीसरा कोर खोज लिया है, या फिर हम ये कहें कि एक रहस्य खोज लिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसे जो हमारी धरती है, आपको पता है, बहुत ज़्यादा रहस्य से भरी हुई है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भूकंप आते हैं इनके बारे में हमें जानकारी बहुत ज़्यादा कम मिल पाती है। लेकिन वैज्ञानिक 20 साल पहले ही उन्होंने परिकल्पना की थी, और ये परिकल्पना यह थी कि जो हमारी धरती है वो चार लेयर में न बटी होके बल्कि वो पाँच लेयर में है। पाँच लेयर का मतलब एक और कोर है जो हमारे इंटरनल कोर के अंदर है, जो पिंग पोंग बॉल की तरह हो सकता है। कैसे हो सकता है हम समझेंगे। तो वैज्ञानिक इसकी परिकल्पना कर रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ है दोस्तों, जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया है, इसको प्रूफ कर दिया है कि ये जो पांचवा कोर था, ये जो पांचवा लेयर था, वो सच में है। सोचिए ये हमारी धरती कितनी ज्यादा रहस्य भरी हुई है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही आपको पता है कि इसी मेंटल के आउटर कोर के बीच में क्या हुआ था, पानी पाया गया था। वो पानी इतना ज्यादा था कि हमारे जो समुद्र है उनसे दो तिहाई ज्यादा था। लेकिन अब वहीं पे एक और शोध हुआ है, जिसमें क्या हुआ है कि हमने एक और कोर का पता लगा लिया है जो हमारे इनर कोर के अंदर है, जो पिंक बॉल की तरह है। लेकिन समझेंगे कि इसकी खोज कैसे हुई और किसने की। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहां पे ठीक है, ANU रिसर्च स्कूल ऑफ द अर्थ साइंस, जो अर्थ साइंस है, इन्होंने क्या किया है, इसकी शोध की है, इन्होंने इसके बारे में खोज किया है, और इसको खोज करके नेचर जर्नल में इन्होंने क्या किया, इसको प्रकाशित किया। लेकिन सबसे बड़ी बात उठती है कि आखिर इन्होंने इसकी खोज कैसे की, कैसे इन्होंने इसकी खोज कर ली, क्योंकि आपको पता है धरती के तो अंदर हम थोड़ा सा जा नहीं सकते हैं, फिर यहाँ की खोज इन्होंने कैसे की, ये सोचने की बात है। इन्होंने क्या किया था, जैसा कि आपको पता है, जब भी कोई भूकंप आता है, ठीक है, जब भी कोई भूकंप आता है तो उसका क्या पूरा रिकॉर्ड होता है, ठीक है, सिस्मोग्राफी द्वारा। तो इन्होंने क्या किया, लगभग 100 साल पुराना जितने भूकंप आए थे या जिनका रिकॉर्ड था, हम ये कहें, उन सबको इकट्ठा किया। 100 साल पुराने रिकॉर्ड को इन्होंने क्या किया, इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद उन्होंने इसके डेटा के आधार पर क्या किया, घोषणा की कि क्या है जो हमारा इंटरनल क्रस्ट होता है। इन्होंने ये बताया कि जो हमारा जो पहले का जो इंटरनल क्रस्ट था वो कितना होता है, लगभग 2500 किलोमीटर का चौड़ा होता है, ठीक है, अप्रॉक्स। और जो नया कोर पाया गया है, ठीक है, उसकी जो चौड़ाई, मतलब उसकी जो चौड़ाई है लगभग कितना है, 1250 किलोमीटर के आसपास है। उन्होंने यह भी बताया कि इसकी ही वजह से क्या होता है, जो भूकंप की तरंगे होती हैं वो निकलती हैं, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी भूकंप आता है, कुछ आता है, तो ये क्या करता है, एक पिंग पोंग बॉल की तरह क्या होता है, इसे फ्लक्चुएट करता है, जिसकी वजह से जो तरंगे निकलती हैं पूरी धरती तक आती हैं, और फिर से जब तरंगे वापस जाती हैं तो यही जो होता है इसको क्या करता है, सोख लेता है। जैसा कि मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो बॉल है ये क्या है, पूरी तरीके से सॉलिड है, बहुत गर्म है, सॉलिड है, और ये जो बना है आयरन और निकल से बना है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, वैज्ञानिक इसके बारे में आपको बोला था, पहले से उनको एक आइडिया था, ऐसा नहीं था उनको आइडिया नहीं था, उनको आइडिया था, बस उनको प्रूफ करना था। तो प्रूफ करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, 100 साल पहले का रिकॉर्ड लिया था, उसके बाद आपको पता है कि कहीं कहीं पर जो भूकंप केंद्र होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा भूकंप आती है, तो इन्होंने जो सबसे ज्यादा वहां पर जो डेटा लिया था, जो भूकंप केंद्र थे वहां का डेटा इन्होंने लेना शुरू किया, और उसके आधार पर इन्होंने क्या किया, परिकल्पना किया। अच्छा, एक चीज आप सोचेंगे, सर उसके हिसाब से कैसे पता लगाया जा सकता है। देखिए, जो सिस्मोग्राफ होता है उसमें क्या होता है कि वो वाइब्रेशन बताता है कि यहां पर जो भूकंप आया था यहां पर इतना वाइब्रेशन था, यहां पर जो भूकंप आया था वहां पर इतना वाइब्रेशन था। एक काम करिए कि एक पानी के ऊपर आप क्या करिए, एक लकड़ी रख दीजिए, उसको ऊपर से धक्का दीजिए, या फिर पानी के नीचे धक्का दीजिए, तो वहां पर जो लकड़ी के ऊपर वाइब्रेशन आएगा वो अलग तरीके से आएगा। लेकिन वही लकड़ी के लोहे के ऊपर रखिए और फिर इसमें धक्का दीजिए, लोहे के नीचे धक्का दीजिए, फिर लकड़ी के ऊपर जो वाइब्रेशन उठ के आएगा वो अलग होगा। मतलब हर एक अलग अलग मेटल का क्या होता है, अलग अलग वाइब्रेशन होता है, ठीक है। तो उसी के आधार पर जब इन्होंने वाइब्रेशन को बार बार करके देखा, तब जाके इनको पता चला कि ये किसका है, आयरन निकल का है। इन्होंने इसकी लंबाई भी बताई है, लंबाई कितनी है, लगभग 1240 किलोमीटर, मतलब इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई मतलब ये टोटल, ठीक है, मतलब जो डायमीटर होता है वो है इसका। तो ये इसके बारे में बात है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, जो वैज्ञानिक इसके बारे में बता रहे हैं कि वो इस बारे में, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो ये कोर है, ठीक है,
इसकी ही वजह से क्या होता है, जो हमारे धरती पे जो आप देखेंगे जो मैग्मा निकलता है, ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, इसका ही इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, जो हमारा इनर कोर था, ठीक है, इसके बारे में भी पहले वैज्ञानिकों को नहीं पता था। 1930 में क्या हुआ था, इसको भी इसी के हिसाब से खोजा गया था। अब ये पांचवा लेयर खोजा गया है और आने वाले वक्त में न जाने कितने रहस्य खुलेंगे, क्योंकि हम ब्रह्मांड में तो बहुत दूर जा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम धरती के अंदर बहुत आसानी से नहीं जा सकते हैं। इसीलिए हम ये भी मान चले, जो हमारी धरती है या हमारे समुद्र है, इसमें भी बहुत सारे रहस्य हैं। लेकिन अगर आपको अपनी जिंदगी को बहुत ही खूबसूरत बनाना है, एडिक्शन से दूर होना है, तो हमारे एडिक्शन मैनेजमेंट का कोर्स जरूर लीजिए। रिकवरी कोड आप यूज करेंगे तो 25% एक्स्ट्रा आपको ऑफ भी मिलेगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।